नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप सॉफ्ट पेस्टल्स को सेफ कैसे रख सकते हैं और कैसे उसको इंटैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं फ्रेंड्स, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उस पर ज़रा सा भी अगर हाथ लगाएंगे तो वो फिर आपके हाथों में आने लगता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये एक सॉफ्ट पेस्टल की ड्राइंग बनाई थी, काफ़ी ये बड़े बोर्ड पे बनाई थी, इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सॉफ्ट पेस्टल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर इसको किया तो ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में आ गया, और इसी तरीके से ये अगर यहाँ मैं यहाँ भी करूँ तो देखिए ये पूरा अभी भी हाथ में आ रहा है। मैंने अभी इस पर कोई भी फिक्सेटिव नहीं लगाया है, कोई भी ऐसा कलर नहीं लगाया है, मतलब या कोई ऐसा प्रिकॉशनरी कुछ भी इसको सेव करने के लिए अभी नहीं लगाया है फिलहाल, लेकिन मैं इस पर जल्दी लगा दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा अपने बाकी कामों से। और यहाँ पे मैंने एक बोर्ड यूज़ किया था ड्राइंग के लिए, सॉफ्ट पेस्टल के लिए कई सारे बोर्ड्स को भी यूज़ किया जाता है, और ये होममेड पेस्टल पेपर है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, जब मुझे इसके लिए स्पेस मिलेगा, जब मुझे इसके लिए समय मिलेगा फ्रेंड्स। और मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की कि आप कैसे एक बोर्ड या फिर एक अच्छे मोटे पेपर को आप कैसे एक होममेड खुद से उस पर कुछ क्रिएशन करके, खुद से कुछ अप्लाई करके लेयर्स को, कलर्स की या डिफरेंट तरीके हैं फ्रेंड्स उसके, जब जिस दिन उसके बारे में बात करेंगे उस दिन आपको उसकी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, तो आप कैसे उसको सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सॉफ्ट पेस्टल्स के लिए खासकर जैसे कि फिक्सेटिव्स भी आते हैं मार्केट में, ये फिक्सेटिव मेरे पास लगभग आज से 2 से 3 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था, और यहाँ पे देखिए ये आर्फिना करके कोई कंपनी है, जिसका आपको लोकल मार्केट में बहुत ही अवेलेबल, इजीली अवेलेबल मिल जाता है। आप इससे फेमिलियर भी होंगे, काफ़ी और लोग भी इसके बारे में बता चुके हैं। इस पे लिखा हुआ है फॉर पिस्टल्स चारकोल एंड पेंसिल्स, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप जब इससे इसको यूज़ करते हैं, इसको काफ़ी पहले शेक करना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक यहाँ से आप इसको ओपन करते हैं तो फिर इसको स्प्रे करने के लिए आप यहाँ से स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जब आप इसको यूज़ करते हैं तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रेंड्स। एक तो ये है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये जो स्प्रे जो इसमें से निकलता है, जो गैस निकलती है, जो वेपर निकलती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। खासकर अगर आप थोड़े से एस्थमेटिक हैं या आपको कुछ और प्रॉब्लम है ब्रीद या लंग्स से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, इससे आपको दूरी बना के रखना चाहिए हमेशा। लेकिन आप नॉर्मल यूजेस में करना चाहें तो सबसे पहले तो इसको आउटडोर पे करना चाहिए, इंडोर कभी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे फिक्सेटिव्स को आप यूज़ करें, ग्रेफाइट में भी जो लोग यूज़ करते हैं या चारकोल्स में यूज़ करते हैं, वो हमेशा आउटडोर पे करना चाहिए, घर के बाहर जाके कीजिए, और अपने मुंह पे कोई मास्क लगा लीजिए फेस के ऊपर, हाथों में भी ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है जो आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन और यूज़ वाइज के हिसाब से भी मैं इसे बताऊँ तो मैं इसको बहुत अच्छा प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने बहुत बिगिनिंग में जो कुछ ड्राइंग्स की थी पेस्टल्स को यूज़ करके, उस पर मैंने फ्रेंड्स इसको यूज़ किया था, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। तो पहली चीज़ तो ये होती है फ्रेंड्स कि जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं पेस्टल्स की, जो आप अचीव करते हैं, वो थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो फोरहेड पे जो कलर्स थे पहले लाइट लाइट से पिंक से थे, वो अब रेड में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि जो इसकी लेयर होती है फ्रेंड्स वो जब ऑप्ट होती है पेपर के ऊपर तो कलर ऑब्वियसली चेंज होते हैं। ये आप बहुत ही अच्छी कंपनी का अगर आप यूज़ करना चाहें, विंसर न्यूटन के आते हैं या फिर ब्रूस्टो का आता है, बहुत अच्छा, जो कि वो कहते हैं कि वो किसी और टेक्निक से बनाए हुए हैं, उसमें वेपर नहीं होता, उसमें गैस नहीं होती फ्रेंड्स, अगर वो यूज़ करेंगे तो थोड़ा से तो भी थोड़े से कलर्स डेफिनेटली चेंज होते हैं। 100% तो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि कोई कलर भी चेंज नहीं होगा। लिखने को डेफिनेटली यहाँ भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ट्रांसपेरेंट है ये, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, एक लेयर ऑप्ट कर देते हैं इसके ऊपर और इसके कलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये अब नहीं निकल रहा है, यहाँ पे नहीं लगाया, जहाँ नहीं लगाया वहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो कुल बिल्कुल कलर नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ पे देखिए कलर अभी भी निकल रहा है। तो जहाँ जहाँ ये लग जाता है प्रॉपरली, वहाँ से फिर कलर नहीं निकलता है, ये बात तो तय है फ्रेंड्स, आपके पेस्टल सेफ हो जाते हैं इसमें। बट प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स इसके साथ ये आती है कि जब आप इसको स्प्रेड करते हैं, तो जो मेहनत आपने की थी इसमें कलर्स को ऑप्ट करने की, वो सारे कलर डार्क हो जाते हैं। जैसे और भी मैं दिखाऊँ आपको, मैंने कुछ और भी किए हुए थे वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे है, जो मैंने बनाया था एक लिटिल बॉय को, तो उस पर भी मैंने किया था, यहाँ भी मैंने फिक्सेटिव यूज़ किया है, और थोड़ी सी खुरदराहट आ जाती है जब इसको आप यूज़ करते हैं, और फिर कलर नहीं निकलते, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, वो डार्क हो जाती हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। इवन एक और ड्राइंग मैं आपको दिखाऊँ, मैंने आदि योगी की ड्राइंग किया था, शिवा की ड्राइंग की थी, उसमें भी मैंने यूज़ किया था फिक्सेटिव को, और बिल्कुल इंटैक्ट तो कर देगा ये आपके कलर्स को। देखिए नहीं निकल रहे हैं कलर, आप दो चार बार भी कोशिश करेंगे तो भी कलर नहीं निकलेंगे, जो कि कलर्स को उसने रिटेन कर लिया है पेपर के ऊपर, बट जो वैल्यूज़ हैं वो डार्क हो जाती हैं, और दूसरी चीज़ उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो डेफिनेटली हैं। अब फ्रेंड्स करें क्या, अगर इसको यूज़ ना करें तो फिर, या तो फिर बहुत महंगा, जो कि 3,000 4,000 रुपये के कैंस आते हैं विंसेंट न्यूटन के, या फिर वो ब्रूस्टो ब्रांड के, वो खरीदें, लेकिन वो भी फ्रेंड्स अफोर्डेबल नहीं है, इंडिया के हिसाब से तो और भी महंगा है। तो फ्रेंड्स मैंने एक ऑल्टरनेटिव निकाला है इसका, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सूटेबल लगा मेरे लिए खासकर, कि मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, कि सबसे पहले आपको मैं यहाँ दिखाऊँ कि मैं एक जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो ये है, और उसके बीच में बटर पेपर को मैं लगा देता हूँ, तो और उसके बाद मैं साइड से टेपिंग कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने टेप कर दिया है इसको। अब ये जो मेरा पेपर है, जो कैंसन पेपर था जिसमें मैंने ड्राइंग की थी, अब ये देखिए काफ़ी इंटैक्ट हो चुका है, और ये जो दो लेयर्स हैं, एक तो बटर पेपर की और दूसरी ट्रांसपेरेंट शीट की, इसकी वजह से ये ड्राइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है अंदर। आप चाहें तो केवल ट्रांसपेरेंट शीट को भी यूज़ कर सकते हैं और बटर पेपर को ना यूज़ करें, लेकिन आपको डबल कवर अगर आप दे पाते हैं तो बहुत अच्छे से ये सेव हो जाती है। अब इसके बाद अब आप चाहें, अगर इसे हमेशा के लिए सेव रखना चाहें, तो दो साइड से और टेप कर दीजिए, जो कि मास्किंग टेप आते हैं, वो बड़ी आसानी से निकल भी सकते हैं पेपर पे, और जब आपको देखना हो या फिर किसी को दिखाना हो तो आप उसको दिखा भी सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। और ये बहुत ही सस्ता तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जो कि काफ़ी आर्टिस्ट और भी यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग को सेफ रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, क्योंकि फिक्सेटिव यूज़ करके फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, हेल्थ वाइज भी और रिजल्ट वाइज भी। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने यहाँ पे पेस्टल्स यूज़ किए थे, उसमें भी मैंने इसी को यूज़ किया है। डेफिनेटली इसमें फ्रेंड्स कुछ कलर्स तो निकलेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कलर्स आ गए हैं इसकी के, लेकिन ऑल टुगेदर ये इंटैक्ट रहेगा, और आप अगर इस तरह से रखते हैं इसको तो आपके लिए बहुत आसानी होती है, डिस्प्ले के लिए भी बहुत आसानी होती है, कहीं ले भी जा सकते हैं आप इसको, इनको इसी को मैंने काफ़ी सालों से इसी में रख रखा है। ये जो मेरे पास एक ये है ड्राइंग डिस्प्ले बुक जो होती है, वो उसी के अंदर रख रखा है मैंने, और ये बहुत अच्छे से देखिए इंटैक्ट हैं। इवन यही नहीं फ्रेंड्स, और ड्राइंग को भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने खाली ट्रांसपेरेंट शीट को यूज़ करके भी, जो अभी मैंने पेस्टल्स बनाया था ये देखिए, इसको मैंने सेव किया हुआ है, केवल ट्रांसपेरेंट शीट मैंने ऊपर से लगाई है, तो भी ये देखिए बहुत काफ़ी हद तक बचा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिजल्ट्स को कोई फिक्सेटिव या कोई ऐसी चीज़ है जो चेंज करे उसको, तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ जो कलर मैंने ऑप्ट किए हैं वही कलर इस पे रिज़ल्ट के तौर पे आए, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हमेशा यही तरीका ऑप्ट करूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी मैंने कृष्णा बनाया था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इनको भी मैंने इसी तरह से इंटैक्ट किया है, पहले मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लगाई और उसके बीच में एक बटर पेपर, तो बटर पेपर क्या है फ्रेंड्स, स्मूथ होने की वजह से ये काफ़ी रिटेन करता है, काफ़ी रोकता है कलर्स को अपने इच्छा से निकलने के लिए, तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं तो इसी तरह से सेव कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, जब तक कि मैं कोई ऐसा फिक्सेटिव ना ढूंढ लूँ जो कि हेल्थ वाइज भी अच्छा हो और रिजल्ट वाइज भी बहुत अच्छा हो, तब तक मैं इसी टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ सुपरमैन बनाया था पेस्टल्स यूज़ करके, उस पर भी मैं यही तरीका यूज़ कर रहा हूँ, ये भी चारकोल ड्राइंग थी, तो चारकोल्स में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स कि आप कैसे उसको इंटैक्ट करेंगे, तो इसलिए देखिए इसको यूज़ किया है और फिर इसको यूज़ किया है दोनों को,
इस तरह से फ्रेंड्स आप कीजिए और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको सेव कर पा रहे हैं और आपको ज़रा भी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। और मैं आपसे यही आपको बोलूँगा कि अगर आप कुछ अपने होममेड तरीके यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को सेव करने में, तो वो सबसे बेस्ट तरीके हैं फ्रेंड्स। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप मार्केट पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, कुछ DIY टाइप आप कर सकते हैं खुद से, कुछ बना करके या खुद से करके। जैसे मैंने अभी पेस्टल पेपर्स भी अपने से बनाने शुरू किए हैं, क्योंकि ये जो मार्केट में पेस्टल पेपर्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं और आप उसको हर बार अफोर्ड भी नहीं कर सकते। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने जो टाइगर को ड्रॉ किया था उसको भी देखिए मैंने इसी तरह से इंटैक्ट किया हुआ है और ये काफ़ी अभी तक काफ़ी रिटेन्ड है। इसी तरह से जितनी ड्राइंग्स हैं मेरी, मैंने सबको इसी फाइल में लगा रखा है। अभी यहाँ मैंने डिस्प्ले के लिए आपको निकाला था इनमें से। और इस तरीके से देखिए बहुत आसानी के साथ आप कितनी भी ड्राइंग्स को इसी में सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसमें कुछ कलर्स डेफिनेटली इस पे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे होंगे थोड़े से इम्प्रिंट आ जाते हैं इसी के, लेकिन अल्टीमेटली आपके जो कलर्स हैं वो रिटेन रहेंगे और नेचुरल रहेंगे। जो कलर आपने लगाए हैं वही कलर रहेंगे, उनकी वैल्यूज़ नहीं चेंज होगी फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के फिलहाल ट्यूटोरियल में इतना ही। मैं और भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा इसी के रिगार्डिंग, और जैसे मैंने बताया है मैं होममेड पेस्टल पेपर बनाने के लिए भी आपको बताऊंगा। इवन क्रॉस हैचिंग वाली एक ड्राइंग की ट्यूटोरियल भी आने वाली है फ्रेंड्स जल्द ही। ये देखिए मैंने इनको भी ड्रॉ किया था और आज तक देखिए ये कितना सेफ है फ्रेंड्स। जितने कलर्स हैं इसमें वो अभी तक बिल्कुल नेचुरली रिटेंड हैं जो फेशियल कलर्स होते हैं, और कितने बेहतरीन लगते हैं फ्रेंड्स जब ये पेपर के ऊपर रिटेन रहते हैं, बच के रहते हैं। अगर मैं इसी पे फिक्सेटिव यूज़ कर दूंगा तो फिर इन सारी जो वैल्यूज़ हैं जो वो सारी डार्क हो जाएंगी अकॉर्डिंगली, और फिर वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती फ्रेंड्स। तो ये एक तरीका है फ्रेंड्स जो कि बहुत सस्ता तरीका है, और इसको आप डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये। तो फ्रेंड्स आज के ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।